नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेड बुल ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी कल 2 नवंबर के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है, आपके कॉल पुट के क्या टारगेट हो सकते हैं। बट उससे पहले देखते हैं मार्केट ने आज कहां पे कामकाज किया। दोस्तों, आज मार्केट ने पहले तो हमें एक गैप अप ओपनिंग दी तकरीबन 41,540 लेवल के आसपास। दोस्तों, ओपन होते ही मार्केट ने पहले ही 10 मिनट में एक यहां पर प्रॉफिट बुकिंग दिखी और उसके बाद इसी लेवल पर दोस्तों मार्केट में बाइंग दिखी गई। मार्केट ने वापस से 41,640 का लेवल यहां पर 41,640 का लेवल मार्केट ने माफ कीजिएगा 41,677 का लेवल यहां पर मार्केट ने तकरीबन 10 बजे से पहले पहले रीच कर लिया था। फिर मार्केट ने दोस्तों यहां पर वापस एक पुल बैक लिया, वापस से मार्केट ऊपर गई और अगर आप ध्यान से देखेंगे इसी पर्टिकुलर रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया काफी देर। मार्केट इस बहुत ही ज्यादा 80 पॉइंट की टाइट जोन के अंदर यहां पर कंसोलिडेट करती रही। यहां पर दोस्तों जैसे ही इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन हुआ, बहुत ही जबरदस्त फॉल हमने इसको कैप्चर किया और हमने इसको लाइव में भी पकड़ा ऐसे। और दोस्तों इसी पॉइंट के ऊपर मार्केट ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हमें दिए भी। एक बजे तक दोस्तों मार्केट में अच्छी मूवमेंट थी, बस उसके बाद फिर से मार्केट जो थी अपने यहां एक 100 पॉइंट की रेंज के अंदर वापस से यहां पर कंसोलिडेट करने लग पड़ी। दोस्तों कंसोलिडेशन में मार्केट में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और मार्केट बहुत ही ज्यादा प्रीमियम्स को डीके करती है और यही आज मार्केट के अंदर भी हुआ। अब मार्केट के अंदर कल क्या हो सकता है, कल क्या सिनेरियो रहेगा, तो पहले ग्लोबल बात कर लेते हैं। दोस्तों कल मार्केट के अंदर जैसे मैंने आपको बोला था फेड का रेट हाइक इवेंट है, हमारी थर्सडे को एमपीसी मीटिंग है, तो इसलिए मार्केट जो है अगले एक आधे दिन तक कंसोलिडेशन में ही रहेगी। जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा मार्केट के अंदर ओनली आफ्टर द फेड और एमपीसी मीटिंग के बाद। तो यहां पर अगर हम यूएस मार्केट्स को अगर देखें, अगर ग्लोबली अगर समझने की कोशिश करें तो यहां पर डाउ जोन्स आज जो कि जिसका फ्यूचर्स हुआ पॉजिटिव में था, इस टाइम पर -116 के आसपास डाउ जोन चल रहा है और नैस्डेक की अगर हम बात करें तो इंडेक्स भी यहां पर वीक नजर आ रहा है, तकरीबन -101 पॉइंट के आसपास इंडेक्स की भी यहां पर पोजीशंस है। तो डेफिनेटली यहां पर ग्लोबल मार्केट्स जो अगर आप देखेंगे यहां पर वीक ही नजर आ रही है इस टाइम पर, वीक टू मिक्स्ड। तो कल यहां पर हमारी मार्केट मतलब हमारी इंडिया में कल यहां एक फ्लैट टू नेगेटिव एक आप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट के अंदर। मतलब हो सकता है मार्केट आपको फ्लैट ओपन हो सकता है मार्केट के अंदर एक हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, ये यहां पर अभी तक का सिनेरियो नजर आ रहा है। तो अगर मार्केट ओपन होती है तो कहां पर ओपन हो सकती है दोस्तों, हो सकता है मार्केट आपकी यहां पर इस लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो 41,185, मतलब यहां से सिर्फ 100 पॉइंट के आसपास नीचे। बाकी दोस्तों ओवरनाइट अगर कोई पोजीशन चेंज होती है तो वो फिर सुबह में आपको अपडेट कर ही देता हूं डिस्कॉर्ड में, बट अभी के लिए यहां पर एक फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग मार्केट में नजर देखने को मिल रही है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है दोस्तों मार्केट में तो क्या हमें करना है, हमें कॉल की पोजीशन में तब तक नहीं बैठना जब तक मार्केट आपको ये जो लेवल है 41,380 का, इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो डेफिनेटली फिर हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। अगर बनाएंगे तो जो आपके टारगेट्स होंगे ऊपर की तरफ, वो पहला टारगेट होगा 41,475 का और दूसरा टारगेट आप बैंक निफ्टी के अंदर 41,525 तक का रख सकते हो। पुट की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ 41,185 के नीचे, मतलब अगर मार्केट यहां पर इस 100 पॉइंट के नीचे खुलती है तो यहां इसके ब्रेक करते ही आप यहां पर पुट की पोजीशन बना सकते हैं और जो टारगेट्स आपके नीचे की तरफ रहेंगे वो पहला टारगेट 41,100 का और दूसरा 41,025 तक का रह सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जो मैं आपको वीडियोस ला के देता हूं मैं चाहता हूं आप पर सबसे पहले आपको मिले। लाइव स्ट्रीम को जरूर देखते रहें बिकॉज उसके अंदर जो लेवल्स मार्क करता हूं उसका भरपूर फायदा उठा सकते हो। अब बात करते हैं
कल के लिए दोस्तों, कल मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा क्योंकि कल हमारा मैराथन सेशन है, तो मैराथन सेशन में ओनली पेड मेंबर्स के लिए, तो आप लोगों से मैं मिलूंगा वेटर्सडे के दिन और थर्सडे के दिन। धन्यवाद, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।